आशीर्वाद स्वतंत्रता दिवस पर समाप्त हुआ आयोग आदेश। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय। समक्ष सीनियर साहब जा रहे हैं और आप लोग को भी सांत्वना पुरस्कार के रूप में यहाँ भोजन की व्यवस्था की गई है। तो अभी सबसे पहले आप लोगों को बात करते में मधुसूदन अहीर जो उनके साथ टाइगर मोबाइल 22 में काम करते हैं। इनके बाद तैयार रहेंगे ड्राइवर हवलदार उमेश कुमार सिंह जो सीसीआर की आरटी साक्षी में प्रतिनियुक्त है। सब एडी लाइव में देख लेना, यूट्यूब में जाकर हम लोग को भेजेंगे। ड्राइवर हवलदार उमेश कुमार सिंह जो सीसीआर को आरटी साक्षी में प्रतिनियुक्त है। विश्वनाथ हांसदा एसएसपी ऑफिस, इनके बाद आ रहेंगे कांस्टेबल 1981। ये हमारा एसोसिएशन का चुनाव होने का चौथा टर्म है, हम मना रहे हैं और हम अपने पुलिस परिवार को एक संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह हमारे जवानों ने अपना बलिदान देकर देश को सींचा संवारा है, आने वाले दिन भी हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनकी याद में हर साल हर वर्ष इसे एक पर्व की तरह मनाएं। ये हमारा 77वां गणतंत्र दिवस है, पूरे देश भर से मनाया जा रहा है और सारे पुलिसकर्मी लोग अपना मना रहे हैं और इसी तरह हमारा देश खुशहाल रहे, उज्ज्वल रहे, यही कामना करते हैं। 1964 पर जिला वासियों को, जो भी आपके दर्शक हैं, उनको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा आपने बताया कि आज जिस आज़ाद हवा में हम घूम रहे हैं, जो आज़ाद हवा सांस ले रहे हैं, ये हम कोई आसानी से नहीं मिली है। इसको दिलाने में बहुत सारे वीर सपूत, बहुत सारे महानुभावों की बलिदान इसमें लगी हुई है, बहुत सारे लोगों का इसमें खून लगा हुआ है। मैं आप सभी के माध्यम से तमाम दर्शकों को, तमाम जिलावासियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि भौतिक रूप से हम लोगों को अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिल गई है, बट अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को बेड़ियों की तरह जकड़ के रखे हुए हैं। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जमशेदपुर पुलिस का ये प्रयास है कि कुछ ऐसी जो बेड़ियाँ हैं उनको हम लोग उखाड़ के फेंके, उनसे मुक्ति पाएँ। अभी जो जमशेदपुर पुलिस का एक मुहिम चल रहा है वो है नशा के विरोध में, तो मैं इसको रिपीट करता हूँ कि जमशेदपुर पुलिस का नशा मुक्ति अभियान लगातार और निरंतर चल रहा है। इसमें आप सभी का, आपके माध्यम से तमाम जिलावासियों का सहयोग अपेक्षित है। जहां कहीं भी ऐसे व्यापार फल खुल रहे हैं उसके बारे में पुलिस को सूचना दे, पुलिस उस पर लगातार कार्रवाई कर रही है और हमेशा कार्रवाई करती रहेगी। हम लोग आज एक प्रण लेने का समय है कि जमशेदपुर को हम लोग नशा के व्यापार से मुक्त कर देंगे। थैंक यू। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। पूरे राष्ट्र आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, बच्चे बूढ़े और पुलिस मिलिट्री सब मना रहे हैं, लेकिन पुलिस और मिलिट्री हर समय दुश्मन से लड़ते लड़ते इस शहीद स्थल, जिसको सम्मान से शहीद स्थल है, जहाँ पर कितने अनेक पुलिस वालों ने शहीद हुआ है, और आज अफसोस या हमें न्यूज बनाना पड़ रहा है कि आज चाईबासा में नक्सलाइट ऑपरेशन में हमारे सीताराम डेरा थाना प्रभारी के बैचमेट जो अभी हमारे भूषण सर हैं उनके बैचमेट आज शहीद हो गए। लेकिन ये पुलिस का जज्बा है कि जिन्होंने अपनी कार को आगे बढ़ के पूरे पुलिस का काम करते हुए उन्होंने आज सेवा किया। तो क्या बोलना चाहेंगे, हम भी इस दुख की घड़ी में आपके साथ है, क्या बोलना चाहेंगे, कैसे करके हुआ है एक्सीडेंट?
सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आप आज़ादी का जश्न मनाइए, हम कहीं पीछे नहीं थे और न कहीं पीछे हटेंगे। हमारे बैच, हमारा विभाग, हमारा कोई भी जवान अपनी शहादत दे करके आपकी आज़ादी को महफूज और आपके लिए जो है हम रास्ता बनाते हैं कि आपकी बखूबी, आपकी बेहतरी हो। लेकिन आज हमारे बीच का एक साथी जो आज सुबह में उग्रवाद के खात्मे के लिए जो ऑपरेशन चल रहा है, मेगा ऑपरेशन चल रहा है चाईबासा के जंगलों में, मिस्री बेसरा के दस्ते के साथ मुठभेड़ में शहादत अपनी दिया है, उसकी शहादत बेकार नहीं होने देंगे। बहुत ही दिल से अच्छे इंसान भी थे, निजी ज़िंदगी में बहुत ही सभी के मिलनसार और बहुत ही सहयोगी थे वो। अमित तिवारी खूंटी में रहे थे, खूंटी के बाद वो पाकुड़ गए और उनके अच्छे काम और ये देखते हुए उनको कई बार पुरस्कार भी नवाजा गया। अभी वो 2 साल से लगभग जगुआर में थे एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए, जो स्पेशल टास्क फोर्स है झारखंड सरकार द्वारा गठित, उसमें जो है वो उग्रवाद से लड़ते हुए सुबह में वो और एक हवलदार अपनी शहीद जो है वो खबर मिली। हम लोग निस्तब्ध थे, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये हमारे बीच का साथी चला गया है। फिर भी हम लोग ये उनको उनके आत्मा की शांति के लिए यकीन दिलाते हैं कि हम पूरे विभाग, पूरा बैचमेट उनकी शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। उग्रवाद को यहाँ से ख़त्म करके ही दम लेंगे, और चाहे वो किसी भी कीमत पे हो, और आप लोग भी उनके साथ और शहादत को बेकार नहीं जाने दीजिए। अच्छा बेहतरी और देश के अच्छा भलाई के लिए, समाज के भलाई के लिए, जमशेदपुर के भलाई के लिए और सीताराम डेरा में जो है नशा मुक्ति अभियान के लिए आप आगे आएँ, हमारा साथ दें। हमारे लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके लिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। जय हिंद, जय भारत। और पुलिस के लिए सभी जनता सोचे कि जो अपने छाती पे, कलेजा में परिवार को छोड़ के देश की सेवा करते हैं, ऐसे पुलिस को कोटि कोटि नमन। और एडी परिवार की तरफ से, संपादक के तरफ से, पूरे टीम के तरफ से पुलिस परिवार के साथ है, और पूरे भारतवर्ष को इस स्वतंत्रता दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।